पापा की कहानियाँ मस्ती में खुलो। यम्मी मजेदार खाना। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह, रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पापा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओह, बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है, और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस, हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं कर रहा। तुम्हें भूख लगी थी पेपा? क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह, ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म। शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है, और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे खेलते हैं शफल बोर्ड। मेरा पग बॉटम पर था, इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोर्ड खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं, या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। ये तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बड़ी आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती। शाबाश जॉर्ज। मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पग को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मैं
मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पापा। ठीक है ये लो ग्रानी। ग्रानी के पक ने पेपा के पक को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले। अरे वाह! पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है, लेकिन खेलने के लिए कोई पक नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पक से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई मजेदार है। ओ, बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है। तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमिन एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा, लेकिन एडमिन को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमिन, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है। अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पाके झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। हुरे, कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमिन। लेकिन एडमिन एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमिन हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। हो, ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। ओ, मैं समझ गया। लेकिन एडमिन एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। और एडमिन एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। आज सूजी शीप एक बॉलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है, मैं कई बार बॉलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओगे इसे कैसे करते हैं पापा? ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज। बढ़िया, ये है आपकी बॉलिंग लेन। अब बॉलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं
मैं भी कोशिश करने वाली हूँ। मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ। ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बोलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बॉलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं। पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है। गुड लक। इसे देखो। सूजी शीप पीछे से बॉलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बॉलिंग बहुत पसंद है। सभी को बॉलिंग बहुत पसंद है। अरे रे, कितना तेज हॉर्न है। आज पेपा और उसकी फैमिली क्रूज शिप पर है। हेलो एवरीवन, नाव पर आपका स्वागत है। क्या आप सेफ्टी टूर के लिए तैयार हैं? फर्स्ट मेट मिस रैबिट उन्हें वो सारी चीजें दिखाने वाली है जो उनको सुरक्षित रखती है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। नावों के बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी तो है। मुझे लगता है कि मैं उन सन लाउंजेस का टूर कर सकती हूँ। मजे करो। सब लोग इस तरफ आओ। इस बड़ी नाव के किनारों से कई छोटी छोटी नाव लटक रही है। ये है लाइफ बोट। जब शिप काम करना बंद कर दे तो हम लाइफ जैकेट पहनकर इससे उड़ जाते हैं। ये रही तुम्हारी लाइफ जैकेट पेपा। ये आपकी जैकेट ग्रैंडपा। डेक पर मत दौड़िए प्लीज। क्रूज शिप की फर्श को डेक कहते हैं। कोई बात नहीं, टूर आगे बढ़ाते हैं। सीढ़ियों पर मेरे पीछे पीछे आओ। आए आए मिस रैबिट। ये बड़े से घूमते हुए चम्मच जैसे लग रहे हैं। वो है सैटेलाइट्स। ये शिप को रास्ता बताते हैं। मिस रैबिट, ये इतने बड़े बड़े शीशे क्यों लगे हैं? नहीं पेपा, ये है। वैसे ये क्या है मिस रैबिट? ये है सोलर पैनल्स। हमारा शिप सूर्य की ऊर्जा से चलता है। बेशक, क्या खूब काम है सूरज का। टूर पर एक और स्टॉप आने वाला है। नीचे जाने का समय हो चुका है। वाह, क्या आइडिया है जॉर्ज। सभी लोग कूद जाओ। ये एक पुल है। ये पूल नहीं है, ये कमरा है। जहाँ से कैप्टन इस तरह के बड़े शिप चलाते हैं उसे ब्रिज कहते हैं। इन सभी बटन के क्या काम है? मुझे इसका जवाब पता है। नावों के बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी तो है। इस बटन से लाइट ऑन होती है। अरे और इस लीवर से हम स्पीड तेज कर सकते हैं। शायद मुझे रुक जाना चाहिए। अच्छा आइडिया है। इस
बटन से क्या होता है? वो फॉग हॉर्न है। इसकी तेज आवाज से दूसरे शिप्स को पता चलता है कि हम आसपास हैं। क्या तुम इसे दबाना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। ओह, ये कितना धमाकेदार हॉर्न है। माफ करना ग्रैनी। पेपा को क्रूज शिप के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन उसे फॉग हॉर्न सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा। मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगे? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन। क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पेपा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल। इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। आज पेपा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है। जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन्स कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है।
सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है। अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लो ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाईं ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाईं ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरे। लाल ट्रेन आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ है। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं सुपर पोटैटो। बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। आज पेपा और उसके दोस्त गो कार्ट ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपनी सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो कार्ट चुन लो। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है, तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ, मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं, इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? नहीं शुक्रिया मिस रैबिट, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो कार्ट चला लिया है। समय समाप्त, सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गो कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो कार्ट रेस काफी पसंद आती है। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए।
बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ सही कहा। हॉप। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊं। हाँ बिल्कुल। हॉप हॉप। कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सब को एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ? अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से, जोर से। अब जॉर्ज राजा है। डायनासोर। राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्ले ग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। ग्रैंडपा जॉर्ज आप कहाँ हो? आज पेपा जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ बगीचे में खेल रही है। वो शोर कैसा है? आपको ढूंढ लिया। पेपा को जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग एक झाड़ी में मिलते हैं। यहाँ बहुत आरामदायक लग रहा है। हाँ, मुझे बचपन वाले बगीचे की मांद की याद आ गई। यहाँ बगीचे में मांद बना सकते हैं ग्रैंडपा? हाँ बेशक। अरे वाह। बगीचे को मांद बनाने के लिए सभी ने बागवानी वाले खास दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। पहले हमें इन स्पेड से गड्ढा खोदना होगा और खूब सारी लकड़ी और टहनियां लानी होगी। पेपा को ग्रैंडपा पिग के साथ गड्ढा खोदना बहुत अच्छा लगता है। शाबाश पेपा। और जॉर्ज को टहनियां इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफी टहनियां हो गई है। शाबाश जॉर्ज। अब ग्रैंडपा पिग छेद में टहनियों को ठोक रहे हैं। सभी पीछे खड़े हो जाओ। अंत में ग्रैंडपा पिग लकड़ी से छत बनाते हैं और पेपा और जॉर्ज ढेर सारे पत्तों से छत को ढक देते हैं। हमें पत्ते क्यों चाहिए ग्रैंडपा? उनसे मांद अच्छी और गर्म रहती है, सुरक्षित और बढ़िया लग रही है। शाबाश। अरे वाह! अंदर जाने से पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पेपा। ग्रैंडपा पिग ने पेपा को एक खास बैकपैक दिया है। सभी अपनी नई बगीचे वाली मांद में बहुत खुश है। ग्रैंडपा, हम बगीचे के मांद में क्या करते हैं?
मंद में मेरा पसंदीदा काम है पिकनिक मनाना। खास बैकपैक बगीचे के फलों से भरा हुआ है। व्यापार जॉर्ज को गार्डन डेन में पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। जॉर्ज तुम कहाँ हो? पेपर उसके दोस्त सीसो पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सीसो की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सीसो पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं? क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ओह, ऐसे? मिस्टर बुल सीसो पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसो बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। हम बादलों की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ, मैं तो हूँ। मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसो बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकी डोकी, चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर।
मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिग मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिग की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओह वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। पेपा और रेबेका रैबिट आज तकिए का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। ओह,
कुछ खाने के लिए। मम्मी। तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अभी आई, कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग हंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँचे गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्दी पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है, रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी, हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल-डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं।
आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। पेट्रो पोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल्ड जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ, पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! ये! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। आज पापा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पापा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी, क्योंकि मदद करने के लिए। सावधानी से पापा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पापा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं, पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है।
मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? ओ रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बल बी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी है जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं, उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। अब क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे।
कोई नहीं जानता कि मैडम गजेल कहना क्या चाहती हैं। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग्स। ब्रश की जगह तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा। थैंक यू मैडम गजेल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गजेल। और डैनी, ये तो कसाब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजेल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी, हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ीब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं, और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों, रंग छिड़को, मजे करो, जमीन से मत गिराना। सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखूंगी पेपा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को प्यार। आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिक के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार, अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? चलो स्पगेटी बनाते हैं। मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए। क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा।
लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी। और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक। सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है।